हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर लास्ट व्लॉग आप सबने देखा होगा तो आपको सबको पता चल गया होगा कि मैं दिल्ली पहुंच गई थी और मेरा जो मेडिकल का काम वगैरह था वो हो चुका है। और डॉक्टर ने मुझे आफ्टर 1 वीक आने को बोला। और घर पे ऐसे ही बैठना ये सब करने से थोड़ा बीमार सा लगता है, क्योंकि आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ अरुणाचल प्रदेश से। तो घर पे दिन भर ऐसे बैठने से थोड़ा अलग सा लगता है। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया गेट। वैसे तो मैं पहले जा चुकी हूँ, लेकिन आप इस बार मैं जो जाऊँगी स्पेशल रहेगा, क्योंकि मैं आप सबके साथ जाने वाली हूँ और आप सबको भी दिखाने वाली हूँ। इंडिया गेट जाऊँगी और उसके बगल में ही नेशनल वार मेमोरियल है, वहाँ भी जाऊँगी। और वहाँ पे कुछ सरप्राइज़ नहीं बोलूँगी, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा। तो सीधे वहाँ जाएंगे और आप सबको दिखाएंगे कि मैं वार मेमोरियल, जो नेशनल वार मेमोरियल न्यू दिल्ली में, आप सबको क्या दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, फटाक से जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैब भी बुला लिया है, थोड़ी देर में निकलूँगी। और आज के दिन मैंने पहना है गालो तांगो, इंडिया गेट में यही पहन के जाऊँगी टू प्रमोट आवर कल्चर, अरुणाचल कल्चर। तो चलिए, तो सीधे इंडिया गेट में मिलते हैं। तो ये है मेरे पीछे इंडिया गेट, लेकिन आज के दिन यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है आर्म फोर्स का, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, तो अंदर अलाउ नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जिसका रिपोर्टिंग करने आई थी नेशनल वॉर मेमोरियल, उसका ही मैं वीडियो बनाऊँगी, ग्लिम्स थोड़ा डाल दूँगी। और साथ ही साथ ये जो थोड़ा बहुत मेरे ब्लॉग में भी डालूँगी, साथ जो रिपोर्ट के लिए वो भी डाल दूँगी। तो यही है इंडिया गेट बस, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बैरिकेड्स पूरा लगाया गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आई मीन लाइक जो आम पब्लिक है उसे अलाउ नहीं किया जा रहा है, बस प्रोग्राम हो रहा है। तो अभी हम लोग सीधे नेशनल वॉर मेमोरियल अंदर घुसते हैं, चलिए। बेसिकली हुआ क्या कि जब हम घुसे अंदर वॉर मेमोरियल के, तो वहाँ पे ना ही प्रोफेशनल कैमरा, ना ही गोप्रो, ना ही मोबाइल में सेल्फी स्टिक्स अलाउ था। तो जितना भी आप फिल्म से सभी देख रहे हो वो मोबाइल फ़ोन से ही लिया है। एंड मोर ओवर वहाँ में और एक चीज़ था, वहाँ के जो अथॉरिटी का कहना था कि आप कमेंट्री नहीं कर सकते हो, आई मीन लाइक वीडियो के सामने में कुछ नहीं बोल सकते हो, बस अपना सेल्फी मतलब वीडियो बना सकते हो, लेकिन इस मेमोरियल के, वार मेमोरियल के ऊपर में कुछ नहीं कह सकते, इस तरह का कहना था। बट एनीवेज, वैसे भी ये जो वीडियो है जो आप सब देख रहे हैं वो काफ़ी पुराना है। आई मीन ऑलमोस्ट अ मंथ, 2-3 महीने पहले जब मैं चेकअप के लिए गई थी दिल्ली, तब का है। तो जो अब नज़ारा अभी सब देख रहे हो वो अंदर हम घुस चुके थे। उसके बाद वहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि जब भी आप जाते हो दिल्ली, तो इंडिया गेट के पास में जैसे मैंने पहले कहा, तो वहाँ पे आप अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहे हो तो वहाँ पे आप, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर में जाकर नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली अगर टाइप करोगे तो वहाँ पे एक ऐप मिल जाएगा। तो वो ऐप में ही पूरे तरीके से आप देख सकते हो डिटेल, कितने लोगों का है, क्या है पूरा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारे अरुणाचल से अशोक चक्र हवलदार हंगपन दादा जी, उनको मैंने डिजिटली होमेज भी पे किया, जो आप सब अभी स्क्रीन में देखोगे। और काफ़ी शहीदों का जो नाम है सुनहरे अक्षरों पे लिखा गया है ब्रिक्स में, आप सब स्क्रीन पे देखोगे। और साथ ही आप नेशनल वॉर मेमोरियल के जो म्यूज़ियम है वहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ आर्म फोर्स से लेकर सभी फोर्सेस के सामान है वहाँ पे, आप सामान यादगार के तौर पे वहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं। और वहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल में ही जो अमर ज्योति है वहाँ पे ही है, और काफ़ी अलग सा एक फील होगा आप सबको, मैं आप सबको एश्योर कर सकती हूँ। तो मेक श्योर करिए जब भी आप दिल्ली जाते हो तो इंडिया गेट, तो ऑब्वियसली आप लोग विज़िट करोगे तो जस्ट इंडिया गेट के बगल पे ही है, किसी को भी पूछ लेगा तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही मैं बता दूँ, जो अभी स्क्रीन में आप सब देखोगे ये वो सेक्शन है जहाँ पे परमवीर चक्र जिन्हें मिला है, उनका बड़ा सा एक गार्डन बनाया है जहाँ पे उनका स्कल्पचर्स बनाया गया है। उनमें से एक विक्रम बत्र का भी है जो आप सब स्क्रीन में देखोगे। और बाकी अशोक चक्र जितना भी शहीद हुए हैं देश के लिए, जिन्होंने अपना जान बलिदान दिया है, उनका नाम को सुनहरे अक्षरों पर लिखा गया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में एक बार आप सबको जाना चाहिए नेशनल वॉर मेमोरियल, और काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे पता है। और
जिसे भी अपने देश के जितने जवान हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उन्हें होमेज पे करिए। तो बेसिकली कुछ अलाउ नहीं किया गया है वहाँ पे वीडियो बनाना, ये सब जो भी ग्लिम्सेस आप सबको देखने मिलेगा वही है वार मेमोरियल का, क्योंकि अंदर में अलाउ नहीं था। तो यही है आज का, घर जाऊँगी, खाना खाऊँगी, सो जाऊँगी, फिर मेडिकल जाना है, बस हो गया, वही काम करना है। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे भी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ।